आप लोग बहुत बार नाश्ता बनाए होंगे पर इस तरह नाश्ता नहीं बनाए होंगे। आज मैं बनाने जा रहे आटे से बनने वाली एक यूनिक नाश्ता। सबसे पहले हम आटा देखते हैं। यहाँ पे हमने आटा 1 से 1.5 कप आटा लिया है। उसमें हम थोड़ी सी अजवाइन हम हाथ से मैश कर लेंगे अच्छे से, ताकि अच्छे से फ्लेवर आएगा। वह थोड़ा सा 1/2 स्पून नमक उसमें फिर हम मिला लेंगे अच्छे से। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। आटा हमको अच्छे से टाइट गूंथना है ताकि मेरा नाश्ता अच्छे से बनेगा। टाइट गूंथने पर आटा मेरा गूंथ चुका है, देख लीजिए। इसे हम 5 मिनट तक रख देते हैं, तब तक फूल जाएगा मेरा आटा। आगे देखते हैं हमको क्या करना है। मैं यहाँ पे आलू 3 कसी हुई ले अच्छे से वाश कर लिया है। अच्छे से वाश करने के बाद हमने यहाँ पे 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 स्पून नमक, 1/2 स्पून नमक मिलाने के बाद हम अच्छे से इन्हें मिला लेंगे ताकि इसमें जो पानी होगा मेरा निकल आएगा। निकालने के बाद ही आगे बनाएंगे। अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद इसमें जो पानी होगा सिर्फ हम 2 मिनट तक कवर करके रख देते हैं, तभी पानी निकलेगा ताकि सॉफ्ट हो जाएगा ये। 2 मिनट हो चुके हैं। इसे अच्छे से हाथ से निचोड़ लेंगे। इस तरह नाश्ता बना बहुत ही टेस्टी। मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब, बेल आइकन की बटन जरूर दबाएं, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छे से हम ये पानी निकाल लेंगे। सारा पानी मेरा निकल आया है। तुरंत ना बनाए नहीं तो पानी ही पानी रहेगा रेसिपी में। पानी निकाल देंगे। इसमें हम चिली फ्लेक्स लेंगे ताकि फ्लेवर अच्छा आता देखने में। थोड़ी सी हींग, एक स्पून लगभग भुना हुआ मसाला, इसमें हमने धनिया, लाल मिर्च और जीरा, इसे अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह नाश्ता बना बहुत ही टेस्टी बनता है। आप ऐसे भी खा सकते हैं बिना फ्राई किए हुए। आप देखें प्लीज़, फुल वॉच करें तभी पता चलेगा आपको रेसिपी कैसी बनी है मेरी, क्या बनाई है हमने आज। मैं आटा मेरा गूंथ चुका है, अच्छे से हम इसे मस लेंगे। इसकी हम लोई काट लेंगे गोल गोल, 3-4 लोगों बनेंगे। इसे हम गोल गोल कर लेते हैं। इसे हम फिर बेल बेल के, हमने 5 बनाई हैं। इसकी सारी हम रोटी की तरह बेलेंगे, ज़्यादा पतली नहीं ना ज़्यादा मोटी, ठीक ठाक होनी चाहिए। इस तरह सारी हम रोटी तैयार कर लेंगे बेल बेल के। अब इसमें हम स्टफिंग करेंगे। हमें जो सब्जी ली थी इसे हम डाल देंगे अच्छे से, धीरे धीरे सारे फैला लेंगे सारी रोटी में हाथ से। इसे हम फोल्ड करेंगे गोल गोल। अब इस तरह नाश्ता बना बहुत ही टेस्टी बनता है, हेल्दी भी होता है।
इसी तरह सारे हम बना के तैयार कर लेंगे। फिर हम एक बर्तन लेंगे, सारे इसी तरह मेरे बन के तैयार हो चुके हैं, देख लीजिए कितने अच्छे लग रहे हैं। इन्हें हम एक भगोना लेंगे, उसमें हम पानी लेंगे, इसे हम भापाएंगे पहले, सारे इसी में रख के हमें इसे कवर कर देना मीडियम आंच में 10 मिनट तक, मीडियम आंच में। नीचे पानी होगा भगोने में, आप स्टीमर हो स्टीम से भाप कर सकते हैं। हमने एक बर्तन लिया है भगोना, इसे हम 10 मिनट तक मीडियम आंच में कवर करेंगे। देख लीजिए स्टीम हो चुके हैं, आप ऐसे भी खा सकते हैं, जैसे दाल के फ्राई बनते हैं वैसे ही सेम बने थे। हमने दाल की जगह आलू भर दिए, इन्हें इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे, इसे लगभग 5 मिनट तक ठंडा हो जाने देते हैं। उसके बाद हम इन्हें इसे हम काट लेंगे छोटे बड़े साइज जैसे आप मन हो। इसी तरह सारे हम काट के तैयार कर लेंगे। सारे हम इसी तरह तैयार कर लेंगे काट के। सबसे पहले हम एक कटोरा लेंगे बॉयल, हमने यहाँ पे हाफ कप मैदा, एक स्पून से कम रेड चिली, थोड़ा सी हींग, थोड़ा सा नमक हाफ स्पून से कम, इसमें पानी डालेंगे, इसे हम लिक्विड बनाएंगे इसका, इसे हम डिप करके डालेंगे तो मैदा का भी टेस्ट आएगा इसमें, थोड़ा सा कुरकुरे बन जाएंगे। इसका हम पेस्ट बना के तैयार करेंगे, मैदा का घोल हमको मीडियम रखना है, ना पतला ना गाढ़ा, पतला ही ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। बन के तैयार हो जाएगा मैदा का घोल। इसमें हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम तेल ज़्यादा नहीं डालेंगे, हाफ रहेगा ताकि दोनों तरफ पलट के हम फ्राई करेंगे। इसमें हम डिप करके सारे इसी तरह डाल लेंगे। आपको रेसिपी पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। हमें चैनल पर नया तो बेल आइकन के बटन सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आप इन्हें चाय या चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बने थे, आप भी प्लीज़ ट्राई कीजिए, प्लीज़ फुल वॉच ज़रूर करें।